24 फरवरी 2018 को दुबई जुमेरा एमिरेट्स टावर से एक ऐसी खबर आई कि उस खबर को सुनकर पूरा भारत देश सुन पड़ गया। वो खबर सुनकर पहले तो किसी को भी यकीन नहीं हुआ, मगर कंफर्मेशन मिलने पर सब हक्के बक्के रह गए। खबर ये थी कि भारत की मशहूर एक्ट्रेस श्रीदेवी कपूर की दुबई जुमेरा एमिरेट्स टावर के रूम नंबर 2201 में मौत हो गई है। इस खबर को जिसने भी पहली बार सुना उसे ये यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि श्रीदेवी की मौत की वजह ये बताई गई थी कि वो अपने बाथरूम के बाथटब में डूबकर मरी है। सब लोग सोच में पड़ गए कि क्या सच में श्रीदेवी की मौत बाथरूम के बाथटब में डूबने के कारण हुई है, क्योंकि पहले डॉक्टर ने श्रीदेवी की मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया था। मगर ये केस और भी उलझ गया जब श्रीदेवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा गया था कि श्रीदेवी की मौत बाथरूम के बाथटब में डूबने के कारण हुई है। पूरा भारत देश ये सोचने पर मजबूर हो गया कि भला एक इंसान दो कारणों से कैसे मर सकता है। आइए जानते हैं श्रीदेवी की मिस्टीरियस डेथ की कहानी मेरी जुबानी। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी, जिन्हें हम हवा हवाई गर्ल के नाम से जानते हैं, उनका जन्म 13 अगस्त 1963 में हुआ था। श्रीदेवी जी का पूरा नाम श्री अम्मा यंगर अयप्पन है। वो पहले साउथ की एक्ट्रेस थी, जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और महारत हासिल की। 21 फरवरी 2018 को भारत के मशहूर बिजनेसमैन अनिल अंबानी की पत्नी की भतीजी और कपूर खानदान के मोहित मारवा की शादी थी। तो ये बहुत आम बात है कि इतनी हाई प्रोफाइल शादी में कई सारे बॉलीवुड एक्टर एंड एक्ट्रेस शामिल हुए थे, जिनमें से एक श्रीदेवी भी थी। 18 फरवरी 2018 को श्रीदेवी अपने हस्बैंड बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी कपूर के साथ शादी अटेंड करने दुबई के लिए रवाना हुई। सिंस उनकी बड़ी बेटी अपनी पहली मूवी की शूटिंग में बिजी थी, तो वो दुबई नहीं आ पाई। श्रीदेवी ने शादी और शादी के सारे फंक्शंस अटेंड किए। उन्होंने वो सारे फोटोज अपने इंस्टाग्राम पर भी अपलोड किए। उनकी फोटोज को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी बात से परेशान या चिंता में है। मगर एक्ट्रेसेस की यही बात तो सबसे निराली होती है कि दिल में चल रहे हलचल को वो अपने चेहरों पर कभी झलकने नहीं देती, और इसी कारणवश श्रीदेवी को एक्टिंग की दुनिया में लेजेंड कहा जाता है। 21 फरवरी 2018 को शादी और शादी के सभी फंक्शंस खत्म हुए, और उस दिन बोनी कपूर और खुशी कपूर वापस इंडिया आ गए, क्योंकि बोनी कपूर को उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट में शामिल होना था। श्रीदेवी उनके साथ वापस नहीं आई। इंडिया ना आने के दो वजह बताई जाती है। पहली, श्रीदेवी की बड़ी बेटी का बर्थडे आने वाला था और उसकी शॉपिंग के लिए श्रीदेवी दुबई में रुक गई। और दूसरी वजह ये बताई जाती है कि श्रीदेवी की एक बहन दुबई में रहती थी और उससे मिलने के लिए श्रीदेवी दुबई में रुक गई। 22 फरवरी 2018 को बोनी कपूर ने उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट को अटेंड किया, जिसके बाद 23 फरवरी 2018 को वो अपने एक दोस्त के बर्थडे पार्टी में गए। इस दौरान श्रीदेवी जुमेरा एमिरेट्स टावर के रूम नंबर 2201 में ठहरी हुई थी, और वहीं से उन्होंने अपने पति बोनी कपूर को कॉल किया और उन दोनों ने एक दूसरे से बात की। पुलिस को दिए हुए स्टेटमेंट के हिसाब से बोनी कपूर को श्रीदेवी को एक सरप्राइज देना था, और इसीलिए बोनी कपूर 24 फरवरी 2018 को दुबई गए और जुमेरा एमिरेट्स टावर के रूम नंबर 2201 का दरवाजा खटखटाने लगे। अब इस वक्त शाम के 6:30 बज रहे थे। श्रीदेवी ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और वो बोनी कपूर को देखकर खुश हो गई। अब इस वक्त 24 फरवरी 2018 को जुमेरा एमिरेट्स टावर के कमरा नंबर 2201 में सिर्फ श्रीदेवी और बोनी कपूर मौजूद थे। बोनी कपूर के स्टेटमेंट के हिसाब से बोनी कपूर और श्रीदेवी कमरे में बैठकर बात कर रहे थे, और थोड़ी देर बाद उनका डिनर करने का प्लान बना। डिनर जाने से पहले श्रीदेवी बाथरूम में नहाने चली गई और बोनी कपूर टीवी पर मैच देखने लगे। उस दिन इंडिया और साउथ अफ्रीका का क्रिकेट मैच चल रहा था। 20 से 25 मिनट बाद जब श्रीदेवी बाथरूम से बाहर नहीं आई, तो बोनी कपूर ने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया और कहा, जल्दी करो वरना लेट हो जाएंगे। लेकिन बाथरूम से कोई भी आवाज नहीं आई। जब कुछ देर इंतजार करने के बाद श्रीदेवी बाहर नहीं आई, तो बोनी कपूर उन्हें चेक करने के लिए बाथरूम के अंदर गए और अंदर का नजारा देखकर हक्के बक्के रह गए। बाथरूम के अंदर जो बाथटब था वो पानी से पूरा भरा हुआ था, और उसके अंदर श्रीदेवी मुंह के बल पड़ी हुई थी। तब श्रीदेवी को बोनी कपूर ने टब से बाहर निकाला और बाथरूम के फर्श पर लेटाया। मगर बाथटब से बाहर निकालने पर उन्होंने देखा कि श्रीदेवी की बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, और हड़बड़ाहट में आकर बोनी कपूर ने अपने एक दोस्त को कॉल लगाया और उन्हें श्रीदेवी के बारे में बताया। कुछ देर बाद बोनी कपूर का वो दोस्त वहां पहुंच गया, और दोनों ने मिलकर होटल के इमरजेंसी में कॉल लगाया और डॉक्टर को बुलाया।
डॉक्टर ने श्रीदेवी की बॉडी को चेक किया और उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। श्रीदेवी को अल रशीद हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां पर भी डॉक्टर ने श्रीदेवी को चेक किया और उन्हें डेड डिक्लेयर किया। श्रीदेवी की मौत की खबर दुबई पुलिस तक पहुंचाई गई और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अब हम जुमेरा एमिरेट्स टावर के स्टाफ का स्टेटमेंट जानते हैं, जो कि बोनी कपूर के दिए हुए बयान से बिल्कुल अलग है। इस होटल के सर्विस स्टाफ ने ये स्टेटमेंट दिया कि 24 फरवरी 2018 को शाम को करीब 6:30 बजे श्रीदेवी ने होटल सर्विस में फोन किया था और अपने लिए पीने का पानी मंगवाया था, जिसके बाद सर्विस स्टाफ श्रीदेवी के कमरे के बाहर पानी लेकर पहुंचा। उसने कई बार दरवाजा खटखटाया मगर श्रीदेवी ने अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोला। स्टाफ ने अपने सीनियर को इन्फॉर्म किया कि श्रीदेवी अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोल रही है, तो उन लोगों ने मास्टर कार्ड से वो दरवाजा खोल दिया। कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था और बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। जब स्टाफ बाथरूम में चेक करने गया तो उन्होंने वहां श्रीदेवी को बाथरूम के फ्लोर पर पड़ा हुआ देखा, जिसके बाद उन्होंने इमरजेंसी में कॉल लगाया। स्टाफ के स्टेटमेंट के अनुसार उस वक्त श्रीदेवी की सांसें चल रही थी, जिसके बाद उन्हें अल रशीद हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें चेक किया और उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। बोनी कपूर ने जो पुलिस को स्टेटमेंट दिया था और होटल के स्टाफ ने जो पुलिस को स्टेटमेंट दिया था, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। दोनों स्टेटमेंट सुनने के बाद भी दुबई पुलिस ने होटल स्टाफ के स्टेटमेंट को नजरअंदाज कर दिया और बोनी कपूर के दिए हुए स्टेटमेंट के अनुसार अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। 24 फरवरी 2018 को दुबई पुलिस ने श्रीदेवी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और तब तक श्रीदेवी की मौत की खबर भारत में फैल चुकी थी। कुछ देर बाद संजय कपूर ने श्रीदेवी की मौत की कंफर्मेशन की और उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है ये कहा। इस केस को दुबई पुलिस से लेकर पब्लिक प्रोसिक्यूशन को ट्रांसफर कर दिया गया, जिसके बाद सबसे पहले बोनी कपूर से पूछताछ की। अपना स्टेटमेंट देने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। श्रीदेवी की बॉडी को इंडिया ले जाने का काम शुरू किया, मगर जब श्रीदेवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो ये केस और भी उलझ गया, क्योंकि शुरुआत में बताया गया था कि श्रीदेवी की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा गया था कि उनकी मौत के समय वो नशे में थी। उनकी बॉडी में अल्कोहल के ट्रेसेस मिले थे। उसी नशे में श्रीदेवी नहाने गई और बैलेंस बिगड़ने के कारण वो बाथटब में गिर गई। अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में होने के कारण वो अपने आप को संभाल नहीं पाई और उसी बाथटब के पानी में डूबकर उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम होने के बाद भी दुबई की पुलिस श्रीदेवी की बॉडी को वापस नहीं दे रही थी, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन होना बाकी था। रूमर ये भी है कि बोनी कपूर और अंबानी की कोशिशों के बावजूद जब दुबई पुलिस बॉडी देने से इनकार कर रही थी, तब शाहरुख खान को याद किया गया था, क्योंकि दुबई में शाहरुख की एक अलग ही पहचान है, इसीलिए उसे कॉल लगाया गया ताकि दुबई का डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जल्दी हो जाए और श्रीदेवी की बॉडी को इंडिया ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया जाए। श्रीदेवी की बॉडी को अनिल अंबानी के पर्सनल चार्टर प्लेन से मुंबई लाया गया और 28 फरवरी 2018 को श्रीदेवी का अंतिम संस्कार किया गया। श्रीदेवी का अंतिम संस्कार तो हो गया, मगर उनके मौत के पीछे के कई सवालों के जवाब न दुबई पुलिस ने दिए, न ही बोनी कपूर ने कुछ कहा, जिस कारण श्रीदेवी की मौत का रहस्य उलझ के रह गया। इट इज स्टिल एन अनसॉल्व मिस्टीरियस केस। इस केस में सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है कि जब दुबई पुलिस को दो बयान दिए गए थे तो उन्होंने सिर्फ बोनी कपूर के स्टेटमेंट पर कार्यवाही क्यों की? उन्होंने होटल स्टाफ के स्टेटमेंट को नजरअंदाज क्यों किया? अगर वो दोनों स्टेटमेंट पर अपनी इन्वेस्टिगेशन करते तो उन्हें पता चल जाता कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। दूसरा सवाल यह है कि श्रीदेवी की बॉडी को बाथटब से निकालने के बाद भला बोनी कपूर ने अपने दोस्त को क्यों कॉल किया, और दोस्त के वहां पहुंचने तक श्रीदेवी की बॉडी के साथ बोनी कपूर कर क्या रहे थे? और अपने दोस्त को कॉल करने के बजाय अगर वो होटल के इमरजेंसी में कॉल करते तो शायद श्रीदेवी को जल्दी हॉस्पिटल ले जाया जा सकता था। इन सारे सवालों के जवाब आज तक नहीं मिले, मगर एक चौंका देने वाली बात सामने आई है। श्रीदेवी की मौत के बाद डायरेक्टर सुनील सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले श्रीदेवी ने ओमान में अपना 240 करोड़ का इंश्योरेंस करवाया था, और इंश्योरेंस की शर्त ये थी कि अगर श्रीदेवी की मौत नेचुरल तरीके से होती है तो उनके घर वालों को इंश्योरेंस के 240 करोड़ मिलेंगे। और इस इंश्योरेंस की दूसरी शर्त सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या सच में ये एक एक्सीडेंटल डेथ थी या फिर एक प्लान मर्डर। उस इंश्योरेंस की दूसरी शर्त ये थी कि अगर श्रीदेवी की मौत सिर्फ दुबई में होती है तो ही उनकी फैमिली को इंश्योरेंस के 240 करोड़ मिलेंगे। अब इस इंश्योरेंस की थ्योरी को सुनकर किसी को भी लगेगा कि ये एक प्लान मर्डर था फॉर इंश्योरेंस मनी। इस इंश्योरेंस केस की थ्योरी के कारण डायरेक्टर सुनील सिंह ने कोर्ट में एक अर्जी डाली थी, लेकिन कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया।
और इस केस को लेकर बोनी कपूर ने भी कोई बात नहीं की। सबसे बड़ा सवाल ये था कि उस होटल रूम के बाथटब की लंबाई 5 फीट 1 इंच थी और श्रीदेवी की लंबाई 5 फीट 7 इंच थी, तो जिसकी लंबाई बाथटब से भी ज्यादा लंबी है वो भला डूबकर कैसे मर सकता है। स्टाफ के स्टेटमेंट के अनुसार श्रीदेवी मौत से पहले 48 घंटों तक अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली थी, तो भला श्रीदेवी दुबई में रुकी ही क्यों थी। इन सब सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिला है। कहने के लिए तो सवाल कई सारे हैं, मगर इनका जवाब एक भी नहीं, जिसके कारण ये केस अनसॉल्व रह गया। और इसी के साथ श्रीदेवी की मिस्टीरियस डेथ की कहानी यही खत्म हुई। मैं उम्मीद करती हूँ कि द मिस्टीरियस डेथ ऑफ श्रीदेवी की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्राइम स्टोरीज, क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज या सीरियल किलर डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है, देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड देन हिट द बेल आइकन।